स्वाति एक बात पूछें। जी दीदी पूछिए ना। तुम्हें इंद्रेश के साथ कैसा लगता है, मतलब क्या तुम उसके साथ असहज महसूस करती हो? नहीं, पर आप ऐसे काहे पूछ रहे हैं दीदी। अच्छा ये बताओ, वो तुम्हें इंसान कैसा लगता है? ठीक ही है, बस थोड़ा सा अकल का कच्चा है। देखिए ना, आज हमारी रंगोली खराब कर दी इसने, और उस दिन अपनी बीवी को छोड़कर यहाँ आ गया था करवा चौथ वाले दिन। सच कहे तो थोड़ा सा लापरवाह लगता है, पर दिल का इतना भी बुरा नहीं लगता हमको। लगता तो हमें भी ऐसा ही है। और हमें भी, पर एक बात पति की है उसने। कौन सी बात? वो तुम्हारे पति को जानता है। हाँ, अगर जानता है तो उनको यहाँ लेकर काहे नहीं आता हूँ? क्योंकि तुम्हारे पति कुछ दिनों से मिल नहीं रहे, तो इससे पहले उन्हें ढूंढना पड़ेगा। हाँ, अगर हमारे साथ चलोगी तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। काहे को इसे अच्छे से जानते हैं। स्वाति, ये बहुत बड़े घर से हैं और बहुत सारे लोगों को जानते हैं। जानते होंगे, पर आप दोनों हमारी मदद काहे करना चाहते हैं? क्योंकि हम दोनों संतोषी दीदी को बहुत मानते हैं और इनका कहा बिल्कुल नहीं टाल सकते। हाँ स्वाति, हम चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द अपने परिवार से मिलो। तुम इसके साथ जाओगी तो धीरे धीरे तुम्हें सब याद आने लगेगा, और फिर जैसे ही तुम्हारे पति मिलेंगे ये तुम्हें उससे मिलवा देगा। देखो, अगर तुम्हें विश्वास है कि हम तुम्हें गलत जगह नहीं भेजेंगे तो तुम इसके साथ चली जाओ। दीदी, आपने तो हमारी जान बचाई है, हम आज जिंदा हैं तो आप ही के कारण। हमें आप पे पूरा विश्वास है, चले जाएंगे हम इनके साथ। लेकिन एक बात बताइए, ये कहाँ से बड़ा आदमी लगता है, और ये रहता कहाँ है, और है कौन? स्वाति, इनका नाम इंद्रेश है। खैर, नाम में क्या रखा है, मुद्दे की बात तो ये है कि ये हमारी मदद कर भी पाएंगे या नहीं। काहे कि बड़े लोगों के पास वक्त तो होता नहीं है, और घमंडी भी बहुत होते हैं। तुम किसी बात की चिंता मत करो, ये हमेशा तुम्हारा साथ देगा। ठीक है, तो फिर हम इनके साथ चले जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? हमें आप खुद छोड़ने जाएंगी के घर। दीदी, का इंद्रेश का घर है? हाँ, क्या ये तुम्हें जाना पहचाना नहीं लग रहा? क्या हुआ? वो देख, we'll be right back.
यहीं रुक, वो अंदर ही आ रही है। इंद्रेस, अरे बताकर तो चला जाता, पता है हम कितने परेशान हो गए थे। अम्मा वो कुंती देवी शांत रहो, आ गया है ना इंद्रेस। कहाँ है इंद्रेस, कहाँ है सर? बाबूजी माफ कर दीजिए, बिना बताए चले गए। वो कहा है कि आज दिवाली है तो घर की लक्ष्मी को लेने गए थे, और रो रहे घर की लक्ष्मी। आइए ना आप लोग। हे, वहीं रुको। लवले, जाके आरती का थाल लेकर आओ। ए, जल्दी लेकर आओ। दीदी हम ले आए हैं। लवले, हल्दी कुमकुम की थाल लेकर आओ। दीदी ये लोग तो हमको जानते भी नहीं, फिर ये सब क्या कर रहे हैं? स्वाति, ये इनके घर की परंपरा है। इंद्रेस, तू भी आ जा। जी अम्मा। बिटिया, अभी हल्दी की छाप बाहर लगा दो। स्वाति, इस घर के रिवाज है, कर दो। दीदी आप भी हमारे साथ छाप लगाइए ना, हम अकेले नहीं लगाएंगे। देवी लगा दीजिए छाप। यदि आपके हाथों की छाप होगी तो कोई भी बुरी शक्ति इस घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। हाँ, आप भी लगा दीजिए, है ना अम्मा? ठीक है।
नारायण नारायण, उत्तम अति उत्तम, अद्भुत अति अद्भुत। कितना सुंदर दृश्य है ये। स्वयं माता संतोषी अपने भक्त के द्वार पर अपने हाथों की छाप लगा रही है। जिस भक्त के द्वार पर माता संतोषी के हाथों की छाप हो, उसके समस्त अपराध, उसके समस्त पाप धुल जाते हैं। आज से इस घर पर देवी पौलमी की मायावी शक्तियों का प्रभाव समाप्त हुआ। नारायण नारायण। देवी संतोषी को लग रहा होगा कि उन्होंने हमें परास्त कर दिया है, किंतु समय का चक्र शीघ्र ही घूमेगा। देवी पौलमी, देव राजेंद्र, आप हमारे पति हैं। अपनी पत्नी का साथ देना आपका कर्तव्य है। एक बार हम यहाँ से बाहर निकल जाएं, उसके बाद सर्वप्रथम देवी संतोषी से प्रतिशोध लेंगे। देवी, आपको ज्ञात भी नहीं अपने नकारात्मक व्यवहार और विचार के कारण आप कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न कर रही है। सचेत हो जाइए, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। बेटे, इस कलश में अपने पैर से ठोकर मारो और इस थाल में पैर रख के घर के अंदर आ जाओ। पर आप हमसे ये सब रिवाज काहे करवा रहे हैं? ओ, आज दिवाली है ना, इसलिए। नारा जो साथी, स्वाति, तुम्हारी शर्त थी इसलिए हम तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आए। अब तुम्हें अंदर चलना होगा। बेटिया, कोई बात नहीं है, हम साफ कर लेंगे। है आ, आ। अरे ऐसे क्या देख रही हो,
का पहली बार इस घर में आ रही हो का? दीदी ये लोग कौन है और कहीं हमारा घर है? कैसा सवाल कर रही होती है? हमको जानते हैं दीदी, हमको जानते हैं। स्वाति तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हें समझाते हैं। आप एक काम करिए, कमरे में जाकर आराम से बात कर सकते हैं। हम जानते हैं आप लोग सब कुछ समझ नहीं पा रहे होंगे। अरे ये स्वाति हमको पहचान का है नहीं रही है। दरअसल स्वाति पर जब हमला हुआ तो उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। दीदी ने काफी इलाज करवाया, स्वाति अब ठीक तो है पर उसकी याददाश्त जा चुकी है। बहुत जिद कर रही थी वो अपने पति से मिलने के लिए, इसलिए उसे यहाँ लेकर आ गए। तो अब हमें क्या करना है? भौजी आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस हमारा साथ देना है। कहा है कि हम स्वाति को घर में ही कहकर लेकर आए हैं कि हम उनकी मदद करें उनके खोए हुए पति और उनके परिवार से मिलाने में। ये पहाड़ी वाले पापा तो देवर जी का वो आपको भी नहीं पहचान रही है का? नहीं, पर हमको विश्वास है घर में रहेगी तो बहुत जल्दी याददाश्त आ जाएगी उसकी। बेटा उसको कुछ याद नहीं है तो उसका मतलब सब भूल गई है क्या? मतलब उसका घर से निकाला जाना और तलाक और तलाक का तो नाम भी मत लीजिए। आप लोगों ने कागजात जमा नहीं कराए और कोई जरूरत भी नहीं है। आप सब लोगों से विनती करते हैं, कृपया करके हमारा साथ दे दीजिए ताकि स्वाति की याददाश्त जल्द से जल्द आ सके। दीदी दुर्गा माँ और संतोषी माँ की कृपा से इतने दिनों बाद इंद्रेश के चेहरे पर चमक आई है, वो भी सिर्फ स्वाति की वजह से। को क्या लगता है ना कि हम सबको उनका साथ देना चाहिए? बेटा तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी अम्मा कुछ भी करेगी, तो भगवान का शुक्र है कि स्वाति सही सलामत हमारे घर में आ गई। बस उसकी याददाश्त दी गई है ना, हम उसे वापस ले आएंगे। हम सब कोशिश करेंगे। हाँ देख बेटा, हमको नहीं मालूम कि स्वाति को क्या याद है क्या नहीं याद है, लेकिन जिस तरह से गोली लगने के बाद तू उठकर गया उसको लेके आया तो हम समझ सकते हैं कि तू उसमें कितना उलझा हुआ है। अभी रहन दे उसको, यहाँ रहन दे। ओके, याददाश्त वापस आने के बाद हम क्या करेंगे हमें खुद नहीं मालूम।